संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म के घूमर गाने के लिए बनवाई चित्तौड़गढ़ किले के अंदर के शाही प्रकृति करती। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर स्टार वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती 2017 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म में लार्ज एंड लाइफ बनाने के लिए माने जाते हैं। किसी खूबसूरत चित्र की तरह वो अपनी फिल्मों को सजाते हैं। संजय लीला भंसाली अपनी इस फिल्म के लिए भी कोई असर नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे फिर वो सेट हो या कला निर्देशन, हर चीज बेहतरीन हो रही है इसका वो ख्याल रख रहे हैं। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर की प्रकृति अपने घूमर गाने के लिए बनवाई। शाही खानदान से आने वाले हर बहू को ये घूमर शाही नृत्य करना होता है। इस गाने के सेट को बनवाने में लगभग 40 दिन लगे। करीबन 100 लोगों ने मिलकर यह सेट बनवाया। ये प्रतिकृति हूबहू किले के अंदर के भाग जैसी है। वही रंग और रचना का उपयोग ये सेट बनवाते वक्त हुआ है। राजस्थानी चित्रों के इस्तेमाल से इस सेट की दीवारें सजी हुई है और 400 दियों का इस्तेमाल करके इस सेट को रोशन किया गया है। लाइटिंग टीम के लगभग 2 दिन लेकर यह पूरा सेट रोशन किया था। इसके अलावा नर्तकों को किशनगंज से बुलाया गया था। 13 तारी संगीतकारों को जयपुर से बुलाकर विशुद्ध लोक संगीत बनाया गया। दीपिका पादुकोण ने लगभग 1.5 महीने में ये शाही नृत्य सीखा। सूत्रों के अनुसार ये बात तो सब लोग जानते हैं कि संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म से जुड़ी हर एक छोटी चीज का बड़े ही बारीकी से ध्यान रखते हैं। फिल्म में पिक्चराइज होने वाला घूमर पहला गाना होगा, इसलिए इस गाने के साउंड, दृश्यों और सेट, हर एक चीज पे संजय लीला भंसाली ने खुद ध्यान दिया है। ये यकीनन एक शाही अनुभव होगा और इसका लुक भी बेहतरीन नजर आएगा। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और भंसाली प्रोडक्शन की फिल्म पद्मावती 17 नवंबर 2017 को प्रदर्शित होने वाली है। प्रभात कुमार शर्मा, बॉलीवुड अड्डा, मुंबई।